में पहुंच चुके हैं और आए हैं शोरूम, टीवीएस शोरूम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूं नदी। तो आज का नज़ारा, आज थोड़ा पानी छूटा है दोस्तों, देखिए आज का नज़ारा इस तरह है। तो घर से तो आ गए हैं कुछ दूर, और कुछ दूर बाकी है, नदी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, खेत उत में पानी है। देखिए इधर का खेत में तो ये धान नहीं रोपाया है, और मैं अभी कुछ ही दूरी पर नदी है, देखते हैं नदी में कितना पानी है। इन साल ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, इसलिए नदी में भी उतना पानी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनली दोस्तों नदी पहुंच चुके हैं, और आप लोग भी देख लीजिए यहाँ का पानी। कैमरा में तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पानी मस्त है। हम लोग यहीं नहाते हैं दोस्तों। देखिए इधर बड़ा बड़ा चट्टान है, पत्थर सब। और देखिए इधर धान उन लगाया है, कितना सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों चलिए नहा लेते हैं और मिलते हैं नहाने के बाद। इधर से पार होते हैं इस तरह दोस्तों, संभाल के पार होना पड़ता है, नहीं तो फिसल जाओगे तो सारा मोबाइल तो गिरेगा ही, आदमी का भी नुकसान होगा। तो चलिए नहा लेते हैं, जल्द ही नहाएंगे, ज़्यादा कपड़ा उपड़ा भी नहीं लाए हैं हम, ज़्यादा गंदा करके नहीं रखते हैं, जल्दी धो देते हैं और रख देते हैं। तो चलिए नहा लेते हैं। A few moments later, फाइनली नहा लिए दोस्तों अच्छी तरह से। आप जा रहे हैं घर, तो चलिए जाते हैं घर। इधर हम लोग जिधर आते हैं दोस्तों, इधर कच्चा रोड है, देखिए यही रोड में आते हैं हम लोग। आती है गाड़ी उड़ी भी, इतना भी ख़राब नहीं है। तो चलिए मिलते हैं घर में, खाना वाना खाने के बाद ही बता। One hour later. तो दोस्तों घर से बाहर आ गए हैं, एक्चुअली हम जा रहे हैं इधर गोमिया साइड, कुछ काम है। तो अभी हम लोगों पहाड़ यहाँ मंदिर जगह खड़े हैं, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से, तो चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं गोमिया में आप लोगों से। एक्चुअली गाड़ी चलाएंगे ना तो ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। तो फाइनली अभी हम लोग गोमिया पहुँच चुके हैं, और आए हैं शोरूम, टीवीएस शोरूम। एक्चुअली एक हम लोग का बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, इसीलिए उसको दिखाने के लिए लाए हैं। तो बाइक हम लोग इधर रखे हैं वॉशिंग सेंटर तरफ, इधर सर्विस सेंटर में। तो हम लोग अभी इधर ऐसे ही रेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं टीवीएस शोरूम, गाड़ी देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी कौन कौन सा बाइक है यहाँ पर। दोस्तों यही है कृष्णा टीवीएस शोरूम, जो हम लोग यहाँ आए हैं गोमिया शोरूम में है। तो अभी हम लोग का काम हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।
तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग इधर गोमिया से आगे निकल गए, इधर विष्णुगढ़ रोड में यहाँ जामनी जरा पहुँचे हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ से कोनर डैम जाने वाले हैं, वही रास्ता में हैं अभी हम लोग जाते हैं। तो यही है कोनर डैम जाने वाला रूट, इधर से यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वही हाफ किलोमीटर लमसम होगा। तो चलिए जाते हैं, देख के आते हैं आज कोनर डैम का नज़ारा। तो इस तरह है यहाँ का, हम लोग रोड में है एक्चुअली, यहाँ का नज़ारा इस तरह दिख रहा है। फाइनली हम लोग कोनर डैम पहुंच गए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इधर हम लोग यहां खड़े होकर थोड़ा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग इधर का नज़ारा देख लीजिए, इस तरह है, इधर से आए हम लोग। तो डैम देख लीजिए आप लोग दोस्तों, बहुत बड़ा डैम है, लेकिन वो हम लोग का टेनू डैम से तो थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, लेकिन साफ सुथरा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इधर का नज़ारा इस तरह से है, इधर नीचे साइड देखते हैं। ये गेट उड़ तो बंद है दोस्तों, इधर जाने का रास्ता नहीं है। नीचे तरफ से नज़ारा मस्त दिखता है, लेकिन क्या ही बोले दोस्तों, उधर जाने का परमिशन नहीं है, इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं हम, नहीं तो और भी अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इस तरह है इधर, और इधर जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ कोनर डैम में बहुत देर तक घूम लिए हैं और फोटो शूट वगैरह भी कर लिए हैं। अभी हम लोग कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं घर की ओर, कहे कि यहाँ भी ज़्यादा देर रुकना ठीक बात नहीं है, हम लोग का घर दूर है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए निकलते हैं अभी दोस्तों, अभी हम लोग ये रूट में जाना है, इधर से निकलेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग हजारीबाग विष्णुगढ़ गोमिया रूट में। तो इधर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए फिर से, फिर कब आएंगे कितना दिन बाद। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं हम लोग, देखिए हम लोग का बाइक सब इसमें आए हैं। अभी हम लोग गोमिया पहुंच गए हैं, यहाँ फाटक जगह रुके हैं, जो बंद है फाटक इसलिए यहाँ रुके हुए हैं। तो अभी खुल गई है फाटक, तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से भी, तो उसके बाद मिलते हैं फिर, कहाँ रुकेंगे तो वहाँ बताएंगे आप लोगों को। हेलो दोस्तों, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम लोग गोमिया काम से गए थे टीवी शोरूम में, जो एक लड़का का स्टार्ट का प्रॉब्लम था, तो उसी को हम लोग बनाने गए थे। वहाँ काम होते ही हम लोग
हम लोग के पास टाइम था तो हम लोग सोचे कहीं घूम के आएँ, तो हम लोग सोचे कि चलो कोणार्क डैम तरफ देख के आएँ, तो हम लोग वहाँ देखने चल गए। वहाँ भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा बहुत मस्ती किए, उसके बाद फोटो शूट वगैरह कर लिए और हम भी वहीं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लिए। उसके बाद ज़्यादा शाम ना हो जाए बोल के हम लोग वहाँ से निकल गए। आते समय हम लोग फिर गोमिया फाटक जगह हल्का रुके, फाटक बंद था इसलिए, फिर वहाँ से निकल गए हम लोग। तुलबुल मार्केट में ठीक टाइम पे पहुँचे थे तो हम लोग वहाँ मार्केटिंग कर लिए, सब्जी वगैरह ले लिए और वहाँ से जो निकले हम लोग उसके बाद सीधे घर में आ गए। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली हम घर ही पर हैं। तो आज का वीडियो इसी तरह है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।